नमस्कार, आप सबको बताएं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो चुका है और लगातार गाजा से हमले किए जा रहे हैं। हमास ने एक दिन के भीतर तकरीबन 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल में एक शहर है लॉड में हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां गृह युद्ध छिड़ गया है। वहां पर पुलिस को मुश्किलें आ रही हैं जो अरब मुसलमान हैं उन्हें कंट्रोल करने में, उन्हें नियंत्रित करने में या इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए। इसराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ विश्व के कई संगठन या कई देश अपील कर रहे हैं दोनों देशों से, यानी इसराइल और फिलिस्तीन से, कि वो शांति बहाल करें, लेकिन ना तो इसराइल ये सुनने को तैयार है और ना ही फिलिस्तीन। अब तक इस हिंसक संघर्ष में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तकरीबन 89 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। 35 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो घायल हो गए इस संघर्ष में। और सबसे हैरान करने वाली बात कि अब इस पूरी लड़ाई में तुर्की भी कूद पड़ा है। तुर्की ने इसराइल को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इसराइल नहीं सुधरा तो तुर्की भी इसराइल के खिलाफ एक्शन लेगा। इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ देश है, जहां यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद है और यहां करीब 17 लाख अरबी मुसलमान रहते हैं। उन मुसलमानों को अपने धर्म के मुताबिक कोई भी नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने या हर चीज की स्वतंत्रता है उनके मजहब के मुताबिक, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि इसराइल ने जबरदस्ती अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा कर लिया है। ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ आपको ये भी समझना होगा। पूरा विवाद शुरू हुआ रमजान के दौरान नमाज अता करने को लेकर। दरअसल हर साल जब रमजान का महीना शुरू होता है तब अल अक्सा मस्जिद को इसराइल खोल देता है। वहां पर नमाजी आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इस बार इसराइल ने वहां पर सिर्फ 10,000 लोगों को आने के लिए कहा, मतलब सिर्फ 10,000 लोगों को इजाजत दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब एक दो दिन बीता तो लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। इसराइल को अच्छे से पता था कि हमास जैसे आतंकी संगठन के निशाने पर रहने वाला इसराइल अगर इसे नियंत्रित नहीं करता है तो कल को अल अक्सा मस्जिद पे कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए इसराइल ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। जब लोगों की भीड़ अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा हो गई तो इसराइल ने लोगों को वहां से हटाया, लेकिन यहीं से हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। पहले मुसलमानों ने विरोध किया, फिर मुसलमानों के साथ साथ इजरायली पुलिस की झड़प हुई और अब देखिए कि इसे हमास और गाजा पट्टी ने अपने ऊपर ले लिया और लगातार अब रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ हमास को या गाजा पट्टी को या फिलिस्तीन को हुआ है, नुकसान इसराइल को भी हुआ है और इसराइल में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसराइल के दो प्रमुख शहर, जैसा कि हमने आपको बताया, लॉड और तेल अवीव, वहां पर लगातार हिंसा की स्थिति बनी हुई है। लोग खौफजदा हैं, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। चारों तरफ से बम और गोले गिर रहे हैं। ऐसी हालत में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपील की है कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो, और अगर ये शांति नहीं बहाल होती है तो शायद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चलेगी।